Sargam, the musical medicos. Please subscribe to the channel and press the bell icon to notify. अगला गाना है जो जिसने बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी की थी. ये गाना AIR दूरदर्शन पे बैन हो गया था अश्लील करके, और सेंसर बोर्ड में भी उसको तकलीफ हुई थी, पर विथ फ्यू एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर इट वॉज अल्टीमेटली प्रेजेंटेड टू अस. ये गाना है चोली के पीछे क्या है, फ्रॉम खलनायक. ये जो गाना है कैसे बना, एक दिन लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी लक्ष्मीकांत के बंगलों से बाहर निकले. बाहर निकले तो वहाँ पीछे एक आदमी कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था ट्यून, और उसके साथ में कुक 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 ऐसे गा रहा था. तब लक्ष्मी जी ने कहा, प्यारेलाल जी ये तो बहुत अच्छा है, ये हम अपने एक गाने में यूज़ करेंगे. उन्होंने एक शहनाई वादक को बुलाया था कि वो भी इसमें शहनाई बजाए, पर उसको कितना भी कुछ भी समझाए वो एक ही ट्यून बजाता था. फिर वो लोग तंग आ गए और वो शहनाई की ट्यून इसमें यूज़ की गई है. उनको कभी नहीं लगा था कि ये गाना इतना पावरफुल, इतना पॉपुलर, इतना फेमस हो जाएगा. और ये गाना बिना का गीतमाला के नंबर 1 पोजीशन पर था. इसके कोरियोग्राफर सरोज खान जी, अलका याग्निक और ईरा अरुण दोनों को एक शेयर्ड फिल्म फेयर अवार्ड मिला. ये पहली बार हुआ कि फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सिंगर शेयर हो गया. अर्ज है, कदम न लड़खड़ाए तो शराब क्या, कदम न लड़खड़ाए तो शराब क्या, ईमान न लड़खड़ाए तो शबाब क्या.